तो गाइस हमारे पास यहाँ पर एक लकड़ी का ये मंदिर है जिसकी हम आज लाइटिंग करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिप लाइट का रोल है और इसी लाइट को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा हमारा अलग होगा। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रिप लाइट है इसमें आप 12 वोल्ट देंगे तो ये चलेगी। तो फ्रेंड्स आपको पहले यहाँ पर जिस जगह पे लगाना है उस नाप का यहाँ पर आपको टुकड़े को काट लेना है। तो काटना आपको उसी जगह से है जहाँ पर काटने का निशान दिया हुआ है। अगर आप इधर उधर से काटेंगे तो ये चलेगी नहीं। तो यहाँ पर 3 लाइटों का ये ग्रुप है और इसके आसपास में कट दिया हुआ है, यहीं से आपको इसे काटना है। 3 लाइट में से कम आप अगर काटेंगे तो ये जलेगी नहीं। तो आपको 3 लाइट का जो ग्रुप है वहीं से काटना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको जो है नाप ले लेना है और कट लगा लेना है। तो अब हम यहाँ पर सभी लाइटों के कट लगा लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर पीछे की तरफ लेयर है गोंद की और आगे ये कवर दिया हुआ है जो कि वाटर प्रूफ है। तो हम इसे थोड़ा सा रिमूव करेंगे इस तरीके से ताकि यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर सकें। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट जो है वो लगा लेते हैं ताकि सोल्डरिंग करने में आसानी हो। और पीछे की ग्लू वाली पट्टी को निकाल कर इसे हम जहाँ चाहें वहाँ चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो इस तरीके से आपको चिपका लेना है, टुकड़े वहीं से करना है जहाँ से कट दिया हुआ है। बाकी फिर आगे मैं आपको इसका कनेक्शन करना बता दूंगा। इसी जगह पर स्ट्रिप लाइट चुपकती नहीं है, उसे चुपकाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अभी इसको चुपका लें, इसे टिके रहने का उपाय भी हम आगे बता देंगे। तो इस तरीके से आपको पहले तो इसे चुपका लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा टिका रहना मुश्किल होता है और यहाँ पर अब पेपर टेप की मदद से हमने चुपकाया हुआ है। आप किसी भी टेप से यहाँ पर इसे अपनी जगह पर टिका सकते हैं। और अब आपको कनेक्शन के लिए बारीक तारों का चयन करना है। हम यहाँ पर रिबिन केबल में से 2 वायर ले रहे हैं जिसको एक प्लस और एक माइनस लेंगे। आप कोई भी वायर लें वो थोड़े बारीक हों और सोल्डिंग अच्छे से हो सके। तो आपको बारीक वायरों से कनेक्शन करने हैं ताकि ज़्यादा दिखे भी ना और अच्छे से वो सोल्डिंग भी हो सके। तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर सोल्डिंग को कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट पे सोल्डिंग किया हुआ है और उसके बाद वायर को हम यहाँ पर फेविक्यू की मदद से चुपका देंगे इस जगह पर ताकि ये अपनी जगह सेट हो जाए और वहीं पर बने रहे हिले डुले ना। और उसके बाद में यहाँ पर हम हर जगह पर प्लस माइनस देखते हुए स्ट्रिप लाइट को आपस में जोड़ देंगे जहाँ से भी हमें पास में लगे। और आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पर प्लस माइनस आप देंगे तो उसके दूसरे छोर पर भी आपको आउटपुट में प्लस माइनस मिल जाएगा। तो स्ट्रिप लाइट में ये खुद भी ग्लो होगी और आपका करंट भी पास कर देगी। तो आप यहाँ पर कनेक्शन जो है सिर्फ प्लस माइनस देखें और उसके बाद में जहाँ आपको आसानी लगे वहाँ कर दें। और यहाँ पर अब हम फेविक्विक से इस स्ट्रिप लाइट को भी चुपका देंगे क्योंकि यहाँ पर ये गर्म होने के बाद में निकलेगी ही निकलेगी। तो आप इसे अभी यहाँ पर छुपा दें और जो टेप है उसको अब हम रिमूव कर देंगे। तो अब हमें पावर देना होगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की पावर देने के लिए हमें एक एडाप्टर चाहिएगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का ये एडाप्टर ले रहा हूँ। तो आप इसे 12 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हैं और या एडाप्टर से भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है हमें यहाँ पर सप्लाई देने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस का ध्यान अच्छे से रखा गया है और हर स्ट्रिप लाइट को एक दूसरे से जहाँ से भी पास लगे इसे कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर करंट दिया और बदले में यहाँ पर हमें आउटपुट में करंट भी मिल गया है जो हमने नीचे वाले स्ट्रिप लाइट में भी दे दिया है। तो इस तरीके से हर जगह से हमने इसे प्लस माइनस को देखते हुए
कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से भी हमें यह पास लगा है। तो अब हम यहाँ पर जो एडाप्टर का प्लस माइनस है उसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे कनेक्शन भी कंप्लीट है। तो आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन किए हैं हमने इस तरीके से किए हैं, जैसे ये रिंग हुई, अब इससे हमें ग्लो कराना है, उसके बाद में नीचे वाली रिंग को ग्लो कराना है, और ये पिलर पे यहाँ तीसरी जो रिंग हमारी लगी है ये ग्लो होगी, फिर सप्लाई हमारी नीचे चल जाएगी। इसी रिंग में से हमने सप्लाई को इस तरफ में लिया है स्ट्रिप में, और स्ट्रिप के दूसरे छोर से उसके आगे वाली स्ट्रिप को कनेक्ट किया है, और इसी तरीके से किंगोरे वाली जो हमारी स्ट्रिप लाइट थी इसको भी यहाँ पे लूप में जोड़ा गया है, और उसके बाद में आगे जा कर के करंट पास हुआ और इस तरीके से ऊपर वाली, और फिर जो हमारी नीचे रिंग लगी हुई है पिलर पे यहाँ पर भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अगर आपसे ये स्ट्रिप लाइट गलती से कट हो जाती है और आपको इसे दोबारा से अगर जोड़ना है तो उसका तरीका ये है कि आपको ये जो पॉइंट है इन दोनों को आधा आधा कट कर लेना है, और उसके बाद में इन्हें आपस में सोल्डिंग कर देनी है। तो इस तरीके से प्लस माइनस को यहाँ पर देखते हुए आपको इनकी सोल्डिंग कर देनी है। तो अब यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से आपस में सोल्ड कर देंगे। तो गाइस, जब तक हम यहाँ पर स्ट्रिप लाइट को आपस में जोड़ रहे हैं, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब आप इस तरीके से लाइट को लगा भी सकते हैं और वीडियो को दिखाकर किसी से लाइट अपने यहाँ लगवा भी सकते हैं। तो गाइस, अब हमारी जो स्ट्रिप लाइट है पहले जैसी आपस में कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से ग्लो भी कर रही है। तो इस तरीके से अगर ये कट जाती है तो भी हम इसे जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो मंदिर है वो हमारा रेडी है, और सारी लाइटें बढ़िया सी यहाँ पर जल रही है। तो कम से कम लाइटों में हमने अच्छे तरीके से जहाँ हमें लाइट की ज़रूरत थी वहाँ लगाया है। अगर स्ट्रिप लाइट को हम बिना काटे अगर लगाते तो उसे लगाना थोड़ा मुश्किल होता। तो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।